मंडी में राजपूत सभा द्वारा 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके उपरांत राजपूत सभा द्वारा माधव राय मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष कर्नल एनके मंडियाल ने की। राजपूत सभा के महासचिव ने बताया कि मंडी के आईटीआई चौक में जल्द ही महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 37 लाख के बजट का प्रावधान कर दिया है। उन्होंने बताया कि सकोड़ी पुल के पास रानी खैर गाड़ी की मूर्ति का निर्माण शुरू हो गया है, जिसके लिए राजपूत सभा ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। मैं सीताराम वर्मा, राजपूत सभा जिला मंडी का महासचिव हूँ। आज राजपूत सभा की बैठक कोरोना काल के पश्चात काफ़ी 10-11 महीनों के बाद आयोजित की गई। बैठक में सबसे पहले राजपूत बिरादरी के जो बुजुर्ग दिवंगत हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की। और आज राजपूत सभा का फाउंडेशन डे भी है, स्थापना दिवस, जो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर जिला मंडी कार्यकारिणी के सभी राजपूत बिरादरी के पदाधिकारियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन डे है उसको हम बड़े आयोजन में नहीं कर सके। 19 जून को महाराणा प्रताप जयंती है, उस दिन ये निर्णय लिया गया कि पड्डल मैदान में जो है बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा व राजपूत बिरादरी के जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। और इसी तरह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है, क्योंकि हम कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि महाराणा प्रताप प्रतिमा का मंडी में स्टैचू बनाया जाए, तो इसको हिमाचल सरकार ने मान लिया है। रानी खैरगढ़ी का प्रतिमा सकोड़ी पुल पे बनने का निर्णय लिया है और महाराणा प्रताप का प्रतिमा जो है वो आईटीआई चौक के पास लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए भी हम जयराम ठाकुर व हिमाचल मंत्रिमंडल का सारी राजपूत बिरादरी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।